तो गाइस अभी हम मेरे मायके चले हैं। पूछने भाई बताइए, एक रात के लिए सुबह वापस आ जाएंगे क्योंकि सुबह हमने माथा टेकने के लिए जाना है, क्योंकि पवन और रचना की शादी का अभी तक हमने माथा नहीं टेका जो हमारे कुल देवी देवता हैं। तो कल वहां जाएंगे। मम्मी जी जो हैं वो चाचा जी के साथ गई हैं, चाचा जी की फैमिली के साथ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है शादी हुई है तो वो भी कुल देवी देवताओं के यहाँ माथा टेकने के लिए गए हैं, तो मम्मी जी साथ गई हैं। तो हम चले हैं मेरे मायके और शादी बहुत अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, बहुत इंजॉय भी किया हमने। और जैसा कि आपको पता होगा अगर आप मुझे पहले से जानते हैं कि मेरे मायके यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, मतलब गाड़ी में तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, है ना, 5 से भी आप कम ही समझकर चलो, इतना नज़दीक है मेरे मायके और ससुराल का डिस्टेंस। इतने फोटो ले लिए, गाइस ये सड़क जाती है मेरी मम्मी जी के मायके, मेरी सासू माँ के मायके, और ये सड़क मेरे घर के मायके, और इस सड़क से हम जहाँ से इस सड़क से आए हैं मेरे ससुराल की सड़क। तो हम पहुंच चुके हैं गाइस अपने मायके के गांव। इन्होंने फल फ्रूट ले लिए, मैंने लिए हैं। हेलो पीयूष, मैं फोन आया था पापा का। हेलो पीयूष, हेलो तो कर दे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज यहाँ से हम जा रहे हैं मम्मी डैडी के घर से, परसों आए थे, और आज हमें 3-4 जगहों पर जाना है, धार्मिक स्थानों पर, क्योंकि रचना और पवन की शादी की हमने जो है अपने कुल देवी देवता जो है हमारे वहाँ पर अभी तक बधाई देने के लिए नहीं गए थे, तो वहाँ पर जाना है। मम्मी जी वहाँ पर हैं गांव, ससुराल के गांव, और जैसे कि आपको पता है कि हम मम्मी डैडी के घर पर हैं, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं मम्मी जी के पास, और वहाँ से सीधा
धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, जहाँ पर भी जाना है 3-4 जगहों पर, और आपको भी साथ लेकर चल लेंगे। और इसी ब्लॉग में मैं सारे जहाँ पर भी हम जाएंगे धार्मिक स्थानों पर, मैं आपको इसी ब्लॉग में सब कुछ शेयर कर दूंगी। तैयार हो? ये मेरी लाडो रानी अलीशा, ये मेरे छोटे भैया की बेटी है, छोटे भाई की बेटी अलीशा, और हमारा ये बेटा एड सॉरी बेटा। तो हम सब तैयार हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं, जल्दी से हमें निकलना है। वैसे 8 बजे का टाइम दिया था लेकिन इन्होंने लेट कर दिया। मैं तो भैया 5:30 बजे की उठी हूँ, तैयार हूँ, बच्चों को भी तैयार कर दिया, अभी बस निकलेंगे फटाफट से। लक्की जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? और लिताशा को दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। मेरे भैया बड़े भाई की बेटी बाल ऊपर क्या लगाए लिताशा? डाइनर बाल रोहित बाय लब्बी आज भी आज चलो आज। तो गाइज यहाँ से निकल रहे हैं मम्मी डैडी जी के घर से, और अभी ससुराल घर जाएंगे मम्मी जी के पास, और वहाँ से और ये दूसरा घर है हमारा जो रेंट पर दे रखा है। इधर हो जाओ चंगा लगे बाय। बंद कर दे आगे फिर तो गाइस अभी हम जहाँ से निकले हैं, जहाँ भी हमें तीर्थ स्थान पर जाना है वहाँ के लिए निकलेंगे। 10 बज चुके हैं और तेनु जहाज ना मंगा दा, और आपको आंगन दिखा देती हूँ, घर दिखा देती हूँ यहाँ के हमारे। जाना जी देवी चले गए और कितने चले गए।
ज्वाला देवी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी कुल देवी के मंदिर ज्वाला जी। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मंदिर का रास्ता और ये देवियां माता रानियां। गिर गई उन देवी पीछे जय हो मेरी माता रानी जी की जय। दिखाया कर तुम्हें सब तो पहला माता जी दे दर्शन है ना। गाइस आप यहाँ का व्यू देखिए, वाओ बहुत ही सुहाना व्यू है। आपको इतने अच्छे से फील नहीं हो रहा होगा जो हम फील कर रहे हैं यहाँ पर आकर। बहुत ही प्यारा व्यू है। सो गाइस मैं ये वाला व्लॉग मतलब यहाँ पर आने तक का इसी व्लॉग में अटैच करूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग जाहिर सी बात है लंबा बन चुका है। सब कुछ एक ही ब्लॉग में नहीं आ सकता है ना, क्योंकि दो तीन जगह धार्मिक स्थानों पर हमें और भी जाना है, तो वो आपको अलग ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि आपने ये ब्लॉग पसंद किया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, जय माता दी।